से ना डायरेक्टली बना दे, तो मैं क्लास 01 बना देता हूँ। ये भी क्या मकसद था सर का, सर चाह रहे थे ताकि क्लास 1 पे जो काम है वो अलग रहे और हमें मिल जाए, तो मैंने बना दी क्लास 1 की डायरेक्टली। अच्छा जी, आप आ जाते हैं इस डायरेक्टरी को विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेते हैं। ठीक है, अब देखें कॉन्सेप्ट क्या है। सर ने जो बताया कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ये समझ लें कि डायरेक्टरी है, अब इस डायरेक्टरी में आपने ना काम करना है। तो अभी तो हमने बात करी थी हमारा जो नोट पैड है, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये अभी हमने इंस्टॉल करा, ये हमारी बुक है, किताब है, और इस किताब में हम जो भी लिखेंगे जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी फाइल में रखेंगे ना। किताब के पेज पे अगर मैंने कुछ लिखा या मेरे पास एक A4 का पेपर है उस पर लिखा, मैं किसी फाइल में उसको अटैच करूंगा और फाइल को मैं अलमारी में रखूंगा। तो हमने यहाँ अलमारी भी बना ली, फोल्डर भी बना लिए जहाँ फाइल रखी है। अब हमारे पास किताब कहाँ है, हमने कहा किताब यहाँ है, अब हमें चाहिए पेज। पेज का मतलब क्या है कि वो पेज जिस पर मैं राइटिंग कर सकूँ। अब एक प्रॉब्लम है, उस पेज को मैं ले तो लूंगा लेकिन उस पेज को मैं रखूंगा कहाँ। जाहिर सी बात है जो मैंने सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर मैं उस पेज को रखूंगा ताकि जब मैं उसमें जो भी लिखूँ वो इसके अंदर है। तो फिर कॉन्सेप्ट चले, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो डायरेक्टरी में सारे फोल्डर बने हुए हैं जो ऊपर मैंने आपको हाईलाइट करके लोकेशन बताई है, जो मैंने लाइव कोड बनाया, टाइप स्क्रिप्ट बनाई, क्लास बनाई, यहाँ पर मुझे एक पेज चाहिए, उस पेज पे मुझे कुछ राइटिंग करनी है। तो ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन खुली थी वीएस कोड की, जिसको हमने कहा था हमारी किताब होगी या हमारी बुक होगी या हमारा जर्नल होगा, अब इसको मुझे ओपन करना है इस जगह पर, ये जो खाली वाली जगह नजर आ रही है ना, ये ऊपर जो लोकेशन नजर आ रही है, इस लोकेशन पे ओपन करना है। दो से तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या क्या है कि मैं यहाँ पर ऊपर आऊँ इसके टॉप पे खाली वाले स्पेस पे और इसको कॉपी कर लूँ, सही है, ताकि मुझे याद रहे। फिर मैं अपने इस वीएस कोड पे जाऊँ, यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, ऊपर फाइल के साथ ही फिफ्थ वाला ऑप्शन है ओपन फोल्डर का। इस ओपन फोल्डर में जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा, ब्राउज करके ना मेरे उसी कंप्यूटर में मुझे लेकर आ जाएगा जहाँ पर मैं हूँ। तो एक तरीका तो है, यहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ कि जिस पीसी में मैं गया, डी में गया, डी में मैंने लाइव कोड बनाया था, लाइव कोड में टाइप स्क्रिप्ट बनाया था, उसमें क्लास 1 बनाई थी और मैं यहाँ पर आ गया। हाँ, मैं एक गलती इसमें आप नहीं करना, नॉर्मल वाले लोग क्या करते हैं टाइप स्क्रिप्ट पर आके इसको खोल दिया तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें तो क्लास 01 में जाना है, हमें तो यहाँ तो नहीं रहना है। तो बस ये ख्याल रखना है क्लास 01 में यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर कर लिया, जैसे आप सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका वीएस कोड है देखें क्लास 01 में खुल गया। क्लास 01 से फायदा क्या हुआ आपको, क्लास 01 से आपको ये फायदा हुआ कि अब आप जो भी यहाँ पे राइट करेंगे वो आपकी उसी जगह पे जाएगा जहाँ आपने रखना है, खोएगा नहीं। जी सर, वीएस कोड ओपन अच्छा हो जी, गया। अब अगला स्टेप करते हैं। एक और शॉर्ट तरीका मैं इनको बता देता हूँ जी जी या बाद में बताता हूँ, बाद में बता दें, मल्टीपल शॉर्ट तरीके सीखते रहेंगे हम। हमेशा ना एक ही तरीका बताना चाहिए, नए बंदे को आप मल्टीपल बताएंगे तो कंफ्यूज होगा। जी, तो क्या कहते हैं, अब आपने क्या करना है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, हेलो डॉट जेएस। ठीक है। फाइल बनाने के लिए देखो, पर यहाँ पे मैंने खोला ना इसको, तो सम टाइम आपके पास हो सकता है इस तरह की आ रही हो जैसे मेरे पास आ रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जो सबसे टॉप पे ये लेफ्ट पे ये नजर आ रहा है सफेद हो गया, ये तो ये हमारे पास मेन्यू है, जिस तरीके से व्हाट्सएप पे नहीं होता मेन्यू खुल जाता है आपके पास आ रहे होते ना, इसी तरीके से हर प्रोग्राम का एक डिजाइन होता है उसमें मेन्यू होता है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये मेरे पास ये वाली फाइल खोल देता है, वैसे तो खुली भी होती है, अगर किसी के पास खुली भी ना हो तो वो यहाँ से खोल लेगा। उसके बाद हमने कहा था हमें पेज चाहिए जिसमें हमें राइटिंग करनी है, तो यहाँ देखें चार ऑप्शन है। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ना इस पे देखें बना हुआ भी पेज है, आप डिजाइन देखें इसका पेज बना हुआ है, इस पे प्लस भी लिखा हुआ है, प्लस से आपको समझ में आ रहा हो ये बनाना है। जैसे ही मैं इस पर माउस है ना, ये माउस का ये देखें, ये जो मैं हिला घुमा रहा हूँ, जो मार रहा हूँ ये है माउस का कर्जर, इस कर्जर को उठाकर मैं लेके जाऊंगा इसके ऊपर तो देखेंगे क्या बोलता है, न्यू फाइल। और जैसे ही मैं इसको माउस का क्लिक करूंगा तो ये मुझे नीचे लेकर आ जाएगा, ये पूछेगा कि फाइल का नाम क्या रखना है, सर मैं क्या नाम रखूं। उसके बाद देखें नोटिस करें, सर ने कहा हेलो वर्ल्ड की फाइल बना दे, लेकिन मैंने हेलो वर्ल्ड की फाइल बनाई लेकिन आखिर में क्या करा, मैंने डॉट लगाया फिर जेएस लिख दिया, ये है क्या ये एक्चुअली ना, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है ये जावास्क्रिप्ट का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये तो मेरे पास फाइल है, आपने मुझे पेपर दिया, आपने मुझे कहा भाई ये इंग्लिश का, इंग्लिश लिखनी है, सिंधी लिखनी है,
उर्दू लिखनी है, सही है, कोई और सी कोई भी लैंग्वेज लिखनी है दुनिया की, आपने तुर्किश लिखनी है, तो आप मुझे बताओगे ना, तो आपने ऊपर लिख के दे दिया क्या भाई, आपने लिखनी है जावास्क्रिप्ट, ताकि पढ़ने वाला जावास्क्रिप्ट में ही उसको पढ़े, क्योंकि अभी तो कंप्यूटर से बात हो रही है ना, कंप्यूटर तो नहीं जानता कि हम कौन सी जबान बोलने वाले हैं, तो कंप्यूटर को हमें बताना है कि हमें जावास्क्रिप्ट बोलनी है, हम डॉट जेएस लगाएंगे कंप्यूटर को बताने के लिए कि हम जावास्क्रिप्ट बोलेंगे। जी सर, हेलो चले यहाँ प्रिंट करें, हेलो वर्ल्ड, हेलो अमित, प्रिंट करा दें। फ्रॉम अमीन। अच्छा, सर ने कहा कि प्रिंट करवा दो, हेलो फ्रॉम अमीन, इसका मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनसे के आप अपना मतलब माल कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से हमें प्रोग्रामिंग को कुछ बताना है, ताकि वो हमारा सवाल का जवाब प्रिंट कर दे, तो प्रोग्रामिंग में प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं कंसोल, ये स्पेलिंग है आप देख लें, CONSOLE.LOG, कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद में छोटे वाले ब्रैकेट जो नजर आ रहे होते हैं ऊपर कीबोर्ड के, ये मैं बना दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल डॉट लॉग की स्पेलिंग देख लें, कंसोल डॉट लॉग, और साथ साथ इसके ब्रैकेट देख लें, ये मेरा हो गया एक कोड प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम के जो दोनों ब्रैकेट के दरमियान में मुझे एक काम ये करना है, एक कोटेशन होती है ना, जब हम किसी शायर का कोट लिख रहे होते हैं कोटेशन लगाते हैं हम उर्दू या इंग्लिश में, तो यहाँ पर भी ना कीबोर्ड में कोटेशन होती है सिंगल और डबल, तो दोनों में से कोई भी ना मैं कोटेशन लगाऊंगा, आप देखें एक कोटेशन ये रही एक कोटेशन ये रही, इस कोटेशन के दरमियान में मैं ना कुछ लिखूंगा, अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं अपना मैसेज लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया हेलो अमीन, सही है, तो ये मैंने लिख दिया, तो ये कोड है मेरा सिंपल सा जो मैंने लिखा, इसमें स्पेस देखें कोई भी स्पेस नहीं है, कहीं भी एक भी स्पेस नहीं है, सिर्फ जो मैंने अपना इंग्लिश में वर्ड लिखा है, सिर्फ इसमें मैंने, जाहिर है इसमें तो स्पेस मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि ये तो मैंने एक मैसेज लिखा है, बाकी कोड में कोई स्पेस नहीं है। जी सर, ये काम हो गया, अच्छा, ठीक है, आप कंट्रोल पैनल पे जाएं CMD करके, CMD और इस करके। डायरेक्टरी में जाएं, कैसे जाएंगे? अच्छा, अभी सर ने क्या बताया मैं बताता हूँ आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ये खोला था CMD, आप लोगों को याद होगा, और CMD में मैंने चेक करा था कि जो मेरा नोड स्टॉल हुआ है वो कैसे हुआ था, NPM जो स्टॉल हुआ है वो कैसे हुआ था, और यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, अब मुझे ना यही CMD वापस चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी देर पहले ये सारी मैंने डायरेक्टरीज बनाई हैं, फोल्डर्स बनाए, और मैंने आप लोगों को एक बात बार बार बोली है कि आपका फाइल जहाँ पे रखा हुआ है, जिस लोकेशन में रखा हुआ है, आपने उसी जगह पे सारा काम करना है, जैसे कि अगर आपके पास, आपने यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी से आप रोजाना लेक्चर्स ले रहे हैं, सही, यूनिवर्सिटी से आप लेक्चर ले रहे हैं, पेपर में लिखते हैं और पेपर को अलमारी में लाके किसी फोल्डर में रख देते हैं, इसी तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंट है आप किसी फोल्डर में रख देते हैं, तो जब आप काम करने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है ना, आप एक ही फोल्डर उठाएंगे ना, भाई इस फोल्डर में आज मुझे काम करना है अपना इंग्लिश का, तो मैंने इंग्लिश का फोल्डर उठाया और उसमें सारा काम कर रहा है, इंग्लिश के फोल्डर वाली जगह जाना पड़ेगा, भाई इंग्लिश का फॉर्म ज्यादा काम करो, तो फिर मुझे हर चीज उसी जगह पर चाहिए होगी, जहाँ पेन रख के बैठूंगा, या तो उसको मैं लेकर आऊंगा अपने पास, वहीं पे मेरा पेन होगा, वहीं पेंसिल होगी, वहीं सारी चीज होगी, मैं अपनी पानी की बोतल भी वहीं पे शायद रखूंगा पीने के लिए, तो अभी काम क्या हुआ है, अभी काम ये हुआ है कि जो VS कोड है इसको हमने खोल लिया उसी जगह पर जहाँ पर हमारी फाइल थी, अब ये जो CMD है इसको भी हमने उसी जगह पर खोलना है जहाँ पर हमारी फाइल है, कैसे होगा, आपने देखा CMD खुल गया, छोटा सा चेंज किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये जगह हाईलाइट करके दिखाई थी पुराने वाले CMD में, उसमें और इसमें फर्क क्या है, उसमें और इसमें फर्क ये है
वो भी मेरे पास CMD ब्लैक कलर का था, ये भी ब्लैक कलर का है, उसमें भी ऐसी सब लिखा हुआ था, इसमें भी लिखा, बस फर्क ये लाइन का है, उसमें ये लाइन कुछ और लिखी हुई थी, इसमें ये लाइन कुछ और लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ था किसी और के घर का एड्रेस, इसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है मेरे घर का एड्रेस, या दूसरे तरीके से बताऊं तो इसमें रखा, उस पुराने वाले में रखा हुआ था किसी और फाइल का एड्रेस, और यहाँ पर मेरी फाइल, मैंने टाइप स्क्रिप्ट बनाया है और उसमें मैंने Class 1 बनाई है, तो यहाँ से मैं पकड़ लूंगा कि हाँ भाई ये सही है, नहीं ये काम मैंने खोल दिया, CMD ओपन करने वाला। एक और हमारे पास वेरिफिकेशन होती है, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है DIR, बस ये लिखना होता है, जैसे मैं इस पर एंटर करूंगा ये मुझे ये बता देगा कि ये Class 1 के अंदर रखा हुआ क्या क्या है, मतलब मैं एक बार किसी फाइल पे आ गया, फोल्डर मैंने उठा लिया, अब मैं ये तो देख लूँगा फोल्डर में रखा हुआ क्या क्या है, तो DIR की वो कमांड होती है जिससे ये पता लग जाए फोल्डर में रखा हुआ क्या है, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, इस कमांड का कोई काम नहीं है, जस्ट ये आपको इसलिए काम आएगी कि आप ये पता लगा लें कि ये वही फाइल है जिसमें मुझे जाना है, सम टाइम होता है ना गलती से गलत जगह चले गए, तो DIR लिख के जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखें इसने मुझे कुछ डिटेल शेयर करी है, लेकिन अगर इस डिटेल को मैं ढूंढूं अपनी फाइल का नाम तो देखिए रहा ये मिली है helloworld.js। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हो गया, मुझे ये पता लग गया कि मेरा जो CMD है ये सही जगह पे खुला हुआ है, गलत नहीं है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड जेएस की तो फाइल थी, यही तो हमें चाहिए थी और ये यहाँ पर रखी हुई है, इसका मतलब हम सही जगह पर हैं, तो DIR का कोई काम नहीं है, बस ये देखने के नहीं होते कि आपके पास यहाँ पर रखा हुआ क्या है। जी सर, जी, अब जरा से चला के देखिए नोड जेएस को। नोड जेएस इंटरप्रेटर है, वो प्रोग्राम लेगा और चला देगा उसको। हाँ ठीक है, अभी सर ने कहा नोड जेएस इंटरप्रेटर है, ये भी हम देखेंगे कैसे, और प्रोग्राम लेगा उसको चला देगा, अब नोड जेएस हम प्रोग्राम कैसे लें और कैसे चलाएं, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको ना थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, तो क्लीन करने के लिए ना मैं एक शॉर्ट की यूज़ करता हूँ CLS की, जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा ना सब क्लीन हो जाता है, जैसे रिफ्रेश होता है जिस तरीके से आप विंडो में रिफ्रेश करते हैं ना, ये रिफ्रेश समझो उसको, तो सर ने कहा मुझे फाइल चलानी है नोड जेएस की, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने नोड जेएस इंस्टॉल करा था, तो नोड वापस लिखता हूँ मैं, ये मैंने इंस्टॉल करा था इसी नाम से, ये मैंने लिखना है, इसके बाद मुझे स्पेस का बटन दबाना है, स्पेस आ गया, अब मुझे उसी फाइल का नाम लिखना है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी, एक बार फाइल का नाम दोबारा देख लेते हैं, अपने कोड पे जाते हैं, ये देखें ये नाम है helloworld.js, सेम नाम लिखना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, अब देखें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सारी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, जैसा था वैसा ही है, कोई वर्ड मैंने गलत नहीं लिखा, सब स्मॉल में लिखा हुआ है और वैसा ही मैंने जैसा वहां था बिल्कुल वैसे ही यहाँ लिखा, कोई अपनी तरफ से एडिटिंग नहीं करी। इसके बाद मैंने दबाया एंटर का बटन, एंटर का बटन मैंने दबाया, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, हेलो फ्रॉम अमीन, तो ये कैसे लिखा हुआ आया, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ आया, ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में मैंने एक कोडिंग लिखी थी, इसको मैं साइड वाले मेन्यू पर हटा देता हूँ, और इस कोडिंग के अंदर मैंने ये एक मैसेज दिया था, तो इसने इस मैसेज को प्रिंट कर दिया, तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, ये जो इसने इस पूरी लाइन को पढ़ा, इसको समझा, और जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको मेरे पास लाकर रिजल्ट शो कर दिया उसका, अब ये किस तरीके से करा क्या करा इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। जी अच्छा सर, जी, तो अभी तक जो हमने किया है जरा सा रिवाइज करा दें अमीन भाई। बिल्कुल पहले से, अभी तक हमने पहला प्रोग्राम चला लिया है मोबाइल जी सर, हम किसी को। स्टूडेंट को ले लें रिवाइज के नहीं, हमारे पास काफी स्टूडेंट हैंड रेज भी कर रहे हैं, जी कर सकते हैं, फैसल वैसे भाई भाई कर सकते किसी हैं, स्टूडेंट को भी ले स्टूडेंट को सकते हैं। आप इन करें जो हैंड रेज करें उनको अनम्यूट करें। कंट्रोल फैसल भाई की बात है। अनस अनस रजा, रजा, अनस रजा जी, अनस रजा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अनस, सर इस क्लास में हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। यार अभी मेरे भाई जो सवाल पूछा जाए वो जी करते हैं, अपनी कहानी शुरू नहीं करते, वरना इतना कैसे कंट्रोल होगी क्लास। सर, मैं अच्छा जनाब आप आ गए तो आप रिपीट करें थोड़ा सा, हमारा नहीं, एक सवाल था। इन्होंने ये सवाल के लिए हाथ उठाया था। ये देखें तरीका, ये पढ़ने का तरीका होता है बिल्कुल ऑर्गेनाइज होके तरीका, वरना सबका टाइम जाया होगा। फैसल भाई जरा सा रिवाइज कराएं हम।
ओके okay, अभी तक हमने जो चीजें देखी हैं उसमें सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि फोल्डर्स और फाइल के अंदर क्या डिफरेंस है, फोल्डर्स और फाइल किस तरीके से बनाई जाती हैं, और उसी जो हमने चीज देखी है वो सब थी कि कंसोल क्या होता है या कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। जो क्लास के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा कॉमन इशू नजर आया है वो यही नजर आया है कि लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कंसोल और कमांड प्रॉम्प्ट और ये सारी चीजें क्या चीज है, और लोगों को फोल्डर और फाइल का भी नहीं पता। तो हमने सबसे पहली चीज देखी कि फोल्डर्स क्या होते हैं। फोल्डर्स बेसिकली एक बॉक्स है जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स हो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है, अगर आप अपने डेस्क के ऊपर सारी की सारी, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपके डेस्क के ऊपर पेपर ही पेपर होंगे तो वो देखना जो है वो बुरा लगेगा। तो यूजुअली आप क्या करते हैं, उन सारे फोल्डर्स को या सारे पेपर्स को उठा के किसी फाइल के अंदर रख देते हैं या फोल्डर के अंदर रख देते हैं। तो फोल्डर के अंदर जो है वो आप एक ग्रुप बना देते हैं। लेट से आपके पास जो है मैथ्स के, अगर आप कहीं पेपर, अगर आप पढ़ रहे स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक मैथ्स का फोल्डर होता है, एक इंग्लिश का फोल्डर होता है, उसमें आपने अपने सारी चीजें वो ऑर्गेनाइज की होती हैं। तो फोल्डर बेसिकली फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज जो हमने देखी वो कमांड प्रॉम्प्ट देखा। कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली ये कंसोल है। जितनी भी आपने फाइल्स को एग्जीक्यूट करना है, फाइल्स को ढूंढना है, फाइल्स को सर्च करना है, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप विंडोज का एक्सप्लोरर यूज कर लें, या अगर आपने जो है मैनुअल तरीके से काम करना है तो मैनुअल तरीके से आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स को ढूंढ सकते हैं, अपनी फाइल्स को देख सकते हैं, अपनी फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसी का कोई सवाल? जी नहीं, आप जी कंटिन्यू। जी सो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है वो आप बेसिकली जो सिंपल कमांड्स हैं वो टाइप करके अपने डेली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट से डरना नहीं है। ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा, चाहे आप किसी पता है किसी भी लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, किसी भी चीज में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, किसी ना किसी शक्ल में ये कंसोल या कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपके पास मौजूद होगा। लिनक्स में भी होगा, लिनक्स में बैश के नाम से होता है, विंडोज के अंदर कमांड के नाम से होता है, एक और विंडोज के अंदर जो है वो कंसोल होता है जिसे हम पावर शेल कहते हैं। यूजुअली जब भी आप कंसोल खोलते हैं तो वो सबसे पहले आपको पावर शेल दिखाता है, क्योंकि पावर शेल विंडोज का डिफॉल्ट कंसोल या कमांड प्रॉम्प्ट है। लेकिन उसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होता है और बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। जो सबसे बेसिक ऑपरेशंस के लिए जो यूज होता है वो कमांड प्रॉम्प्ट होता है। और अगर आपने जो 9th क्लास में जो लोग GW बेसिक पढ़ के आए हैं तो उन्होंने देखा होगा कि वहां पे उन्होंने डॉस यूज की थी। सो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डॉस विंडोज के अंदर जो है वो, क्योंकि डॉस एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक जो है उसकी कंपैटिबिलिटी मेंटेन की है और उन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिया है कि आप छोटी बेसिक कमांड्स जो हैं वो कंसोल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि विजुअल स्टूडियो कोड और नोड जेएस किस तरीके से इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल करने का क्या तरीकेकार है। लिंक्स आपके पास तमाम रेपोज के अंदर, जो भी क्लास रेपोज हैं या जो भी अमीन भाई शेयर करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी लिंक्स मौजूद हैं कि आप किन लिंक्स के थ्रू जो है विजुअल स्टूडियो को, नोड जेएस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके साथ उन्हीं रेपोज के अंदर ये भी मेंशन हुआ हुआ है कि किस तरीके से आप अपने पास टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे और टाइपस्क्रिप्ट के पैकेज किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। सो वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हैं। चलिए, अब हमने अमीन भाई हमारा हमने तो टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है। अब जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का अमीन भाई क्या ताल्लुक है? जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का ताल्लुक, मैं पहले मैं जनरल टर्म बताता हूँ। जनरल टर्म में क्या है, आप समझ लें, आप अपने घर की नॉर्मल जो रूटीन्स हैं वो आप कॉल कर लें कि आपकी रूटीन में क्या है कि आपके घर में किचन है, किचन में सारा सामान रखा हुआ है, अलमारी है, उसमें कपड़े रखे हुए हैं, इसके अलावा 10 चीजें घर में होती हैं। तो जाहिर सी बात है उन 10 चीजों को आप घर में आते हो, अपने तरीके से इस्तेमाल करते हो। आप किचन में जाते हो, आप चाय बनाते हो, खाना निकालते हो, खाते हो, अलमारी में कपड़े रखते हो, तो ये सारा काम आप नॉर्मली कर रहे हो। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें से दो तीन नाम मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे वेरिएबल है, फंक्शन है, उसके बाद साथ साथ उस वेरिएबल का डेटा है। सही है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट ये कि वो सारा प्रोग्राम जो आप लिखेंगे, मतलब आपके घर के नॉर्मल रूटीन के काम। और टाइपस्क्रिप्ट ना, उसमें आपने ऐड कर दिया अम्मी को, आपकी मदर को। तो मदर ने अब क्या करा, मदर अब रिस्ट्रिक्ट है। रिस्ट्रिक्ट क्या है, जब आप किचन में जाते हो, किचन में आपने हल्दी का डब्बा उठाया या चीनी का डब्बा उठाया, नमक का, तो आपने कोई एक एक अगर चमचा उठाया नमक का, उससे नमक निकाला, तो वो चमचा चीनी के डब्बे में नहीं डाल सकते। सही है, क्योंकि अम्मी आपको वहां से आके देख लेंगी कि भाई आप गलत कर रहे हो, और आपको रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी कि आप ऐसा नहीं करो, और आपको वो करने नहीं देंगी। इसी तरीके से आप अलमारी में आएंगे
अलमारी में उठाकर आप अपने कपड़े निकाल कर शूज रख दें और शूज वाली जगह पे कपड़े रख दें, तो अम्मी आपको ऐसा नहीं करने देंगी। या आप अपनी बेडशीट खराब कर दें या कुछ कुछ भी आप घर में ऐसी रूटीन एक्टिविटी करेंगे जो घर की एनवायरनमेंट के हिसाब से खराब होगी, तो अम्मी आपको पकड़ लेंगी। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट जो है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, वो प्रोग्राम एक पूरा, उस प्रोग्राम को करते हुए आप अपना अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, उस एप्लीकेशन को बनाते वक्त आपके पास ना कोई हाई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप बढ़ के बाद बड़ा फ्रीडम था, आपने जावास्क्रिप्ट माया, आपने काम करा ज़बरदस्त तरीके से चलाया। अब ज़रूरत थी इसमें रिस्ट्रिक्शंस की, कि कोई आए आकर आप पे सख्ती करे और वो ये करे कि फ्रीडम है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कानून होने चाहिए, थोड़ा सा लॉ होने चाहिए, उस लॉ की लोगों के पाबंद आप होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करें। तो उसके लिए आगे टाइवस्क्रिप्ट, टाइवस्क्रिप्ट ने क्या करा, टाइवस्क्रिप्ट ने ये करा कि जावास्क्रिप्ट में मजीद कुछ चीज़ें ऐड कर दी। मतलब जावास्क्रिप्ट तो थी, मतलब घर तो आपका था, अम्मी ने आके कुछ रो मतलब कुछ चीज़ें ऐड कर दी, कि उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं करना, ये करना और ये नहीं करना। इसी तरीके से टाइवस्क्रिप्ट ने आके जावास्क्रिप्ट पे कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर दी। वो एडिशनल चीज़ें क्या हैं हम पढ़ेंगे, लेकिन मकसद क्या था टाइवस्क्रिप्ट को लाने का, टाइवस्क्रिप्ट को लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जावास्क्रिप्ट में ज़बरदस्त लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत थी, और मतलब थोड़ी सी ना सख्त पॉलिसी की ज़रूरत थी, और उस सख्त पॉलिसी के लिए कुछ नई चीज़ें बनानी थी। तो टाइवस्क्रिप्ट ने क्या करा, टाइवस्क्रिप्ट ने देखा भाई जावास्क्रिप्ट में कहाँ कहाँ मुझे सख्ती करनी है और उस सख्ती करने के लिए मुझे नया क्या बनाना है। तो टाइवस्क्रिप्ट ने वो जैसे सारा आपने नया मिसाल, बनाया। जी जैसे अमीन भाई आपने मिसाल दी कि अम्मी चाह रही हैं कि खाने से पहले हर एक हाथ धोए और खाने के बाद भी हाथ धोए। जी बिल्कुल। तो टाइवस्क्रिप्ट ने यही सारे काम जावास्क्रिप्ट के साथ कर दिए। जाहिर सी बात है डायरेक्ट तो नहीं कर रहे, टाइवस्क्रिप्ट ने कुछ अपनी चीजें ऐड करी, कुछ लगाया, कुछ बनाया, कुछ क्रिएट करा, और उसने कहा जब भी अब हो क्या होगा क्या, अब जब भी प्रोग्रामर मतलब जो आप हैं वहाँ के आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो कभी भी ना आप जावास्क्रिप्ट में कोड नहीं करेंगे, सही है, आप करेंगे टाइवस्क्रिप्ट में कोड। अब टाइवस्क्रिप्ट के कोड में और जावास्क्रिप्ट के कोड में फर्क होगा, जावास्क्रिप्ट का कोड है समझ ले मम्मी की नजर से बच के चल रहा है, वो जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है वो अम्मी की नज़र से गुजर कर आया है, तो जाहिर सी बात है जब वो अम्मी की नज़र से गुजर कर आया तो उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, अगर गलती होगी भी तो वो अम्मी को पता होगी कि हाँ भाई ये आप करते हुए ये जा रहे हैं, और अम्मी फ़ौरन बता देंगी कि भाई ये नमक का चमचा है, ये आप चीनी के डब्बे में नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें नमक है, सही है, तो ये गलती वो आपको कभी भी नहीं करने देंगी। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का, सुपर सेट की मुराद है जावास्क्रिप्ट है, सही है, उस जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें और उसने एडिशनल ऐड कर दी, और एडिशनल ऐड करने के बाद आपको आपका काम भी आसान कर दिया और आपके काम में बेहतरी भी आ गई। वो बेहतरी क्या आ गई वो हम आगे जाके देखेंगे बिल्कुल। तो अभी के लिए ये है कि हम काम करेंगे टाइपस्क्रिप्ट में और टाइपस्क्रिप्ट से फिर हम अपने काम को कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में, फिर जहाँ पर भी हमें लेके जाना होगा हम जावास्क्रिप्ट लेके जाएंगे, लेकिन काम हम टाइपस्क्रिप्ट में करेंगे वो हम करके देखते हैं। जी सर आप चलें सबसे पहले तो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर इंस्टॉल करें। कंपाइलर जी, अच्छा सर ने अभी क्या नहीं कहा, कहते, ट्रांसपाइलर कहते हैं। ट्रांसपाइलर, जी हाँ, तो सर ने अभी एक नाम यूज करा, सर ने कहा कंपाइलर ट्रांसपाइलर ये है क्या, तो उसको पहले इंस्टॉल करते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं उसी सीएमडी पे आ जाता हूँ जो अभी मैंने खोला था, और सीएमडी कोई सा भी हो सकता है अभी के नहीं, क्योंकि इंस्टॉलेशन की जब बात करें ना तो सीएमडी कोई भी हो सकता है, हाँ जब प्रोग्राम रन की बात करें तो बड़ा ख्याल रखना है कि भाई सीएमडी कहाँ पर खुला हुआ है, मतलब दो चीजें डिफरेंट है, एक है सीएमडी और एक है उस सीएमडी को ओपन कहाँ करा हुआ है। अब ये वाला सीएमडी देखें कहाँ पर ओपन है, जहाँ पर मेरा कोड रखा हुआ, ये आपको यहाँ से पता लग रहा होगा जब मैंने हाईलाइट करा है उस कोड की डायरेक्टरी का नाम लिखा हुआ, सही है, और एक है इंस्टॉलेशन, जब इंस्टॉलेशन करते हैं ना तो आप सीएमडी कहीं भी खोलें, कहीं भी खोलें इंस्टॉलेशन हो जाएगी, लेकिन हाँ जब रन करें तो फिर आपने ख्याल रखना कि कहाँ खुला हो। तो अभी हमें टेंशन नहीं है कि कहीं भी खुला हो, हम अपना काम कर लेंगे, तो हम यहीं पर कर लेते हैं। हम पहला काम क्या कर रहे हैं, हम टाइवस्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल कैसे करेंगे, कमांड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी स्लाइड में भी मौजूद है, स्लाइड नंबर 1 जो मैंने बनाई थी उसमें आपको मिल जाएगी, मैं लिख रहा हूँ npm, npm के बाद लिख रहा हूँ मैं इंस्टॉल, उसके बाद लिख रहा हूँ माइनस माइनस ग्लोबल, उसके बाद लिख रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट, सही है, मैंने क्या लिखा है npm इंस्टॉल माइनस माइनस का साइन है ये माइनस का, इसको हम दूसरे अल्फाजों में हाइफन के नाम से जानते हैं लेकिन आप इसको माइनस माइनस बोल दें, उसके बाद ग्लोबल है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा टाइपस्क्रिप्ट, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा यहाँ पे आगे ना मैं और भी चीज़ें एडिशनल लिख सकता हूँ लेकिन फिलहाल मैं सिंपल रख रहा हूँ, तो ये टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर देगा मेरे पास। तो ये देखें मैंने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अगर आपके पास इस जगह पे एरर आता है, तीन तरह के एरर आएंगे आपके पास, पहला एरर ये आएगा कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा,
जाहिर सी बात है ये चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड होती है, तो अगर ये चले चलने के बाद बीच में रुक जाए और अजीब सा एरर आ जाए तो उसका मतलब है इंटरनेट नहीं चल रहा। दूसरा एरर आपके पास ये आएगा कि npm नॉट डिजोल्व, मतलब समथिंग, मतलब आपके पास एरर ये आएगा कि npm है क्या ये। मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको आसान अल्फाज में, ये व्हाट इज npm, ये है क्या। ये एरर जब आएगा जब आपने नॉट जेस इंस्टॉल नहीं करा होगा, क्योंकि आप देखें इस सेशन के शुरू में मैंने नॉट जेस इंस्टॉल करा है और नेट नॉट जेस इंस्टॉल करने के बाद मैंने सारा काम करा है, उससे पहले ये फाइल चलाई है और ये फाइल चलाने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। सही, अगर आपने नॉट जेस इंस्टॉल नहीं करा तो एरर आएगा कि npm है क्या। जाहिर सी बात है उसको पता ही नहीं है, जो चीज़ इंस्टॉल ही नहीं है उसको क्या पता ये है क्या। तीसरा एरर आपके पास आएगा वो एरर ये होगा कि ये चलाने की ना आपके पास परमिशन नहीं है, या ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, एक्स वाई जेड अलग तरह का एरर होगा। वो एरर दो सूरत में आता है। पहली सूरत है, अभी फैसल भाई जब बात कर रहे थे उन्होंने एक नाम यूज़ करा था पावर शेल, तो यहाँ पर विंडो में अगर मैं आऊँ ना तो एक पावर शेल होता है, मैं लिख के दिखाता हूँ, ओपन नहीं करूँगा, ये देखेंगे जरा। तो अगर आप इसमें काम करें ना तो इसमें मोस्टली आपके पास एरर आ जाता है। सही है, एक तो ये प्रॉब्लम है, हम काम कर रहे हैं CMD में तो आपका एरर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा जब CMD में आएंगे। दूसरा होता है परमिशन का, वो क्या होता है, होता क्या है कंप्यूटर में ना, विंडोज में, विंडो ने विंडो बनाई ना उसने ना कुछ चीज़ें इसमें रखा है, लगाई हुई है परमिशन की। तो आपने जिससे लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा है या किसी ने आपका कंप्यूटर लैपटॉप चलाया हुआ, उसने ना कुछ परमिशन लगा के आपको दे दी। अब उस परमिशन की वजह से ना आप कुछ इंस्टॉल या रन नहीं कर पा रहे, वो आपको रोक रहा है कि भाई परमिशन नहीं है। जैसे आप गवर्नर हाउस आए, गवर्नर हाउस में आप गए, अंदर आए, क्लास के बाद आप क्लास से आगे जा रहे हैं तो आपको वहाँ गार्ड ने रोक लिया, भाई परमिशन नहीं है अंदर जाने की क्योंकि आप स्टूडेंट हो। लेकिन उसी जगह पे कोई गवर्नर हाउस का कोई और सिक्योरिटी का हेड आएगा तो उसको तो वो नहीं रोकेगा, तो उसके पास परमिशन है। तो इसी तरीके से ना कंप्यूटर में भी परमिशन के मसले होते हैं। तो अगर आपने किसी से लैपटॉप खरीदा है, उसने हो सकता है परमिशन लगा के दे दी हो सकता है आपके यूजर पे परमिशन लगी हो, वो आपको रोक रहा हो कि भाई ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो ये चीज़ थोड़ा देख लेना तो ये ना हो। तो हमने इंस्टॉलेशन कर ली, इंस्टॉलेशन में जो एरर आते हैं वो भी डिस्कस कर लिए, उसके बाद भी आपके पास नहीं हो रहा तो आप जरा एक बार सुकून से हो जाए, देखें कहाँ पर क्या गलती हो रही है। क्योंकि जब भी एरर आता है ना, हम हैं प्रोग्रामर, हमारी ज़िंदगी स्टार्ट ही एरर से होनी है, ये आपने याद रख लेना। ऐसा नहीं है कि एरर नहीं आएंगे, एरर एरर आए तो अच्छी बात है, खुश होना है, हमारे पास एरर आता है हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, एरर आ गया ना भाई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो एरर को सॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है एरर को पूरा कंप्लीट पढ़ें, रीड करें। एरर क्या है मैं बता दूं, आप गवर्नर हाउस में आए, आपने क्लास के अंदर जा रहे हैं, क्लास में जाने के बजाय आप सीधे चले गए, गार्ड ने आपको रोका, अब गार्ड ने आपको आके रोक के क्या बोला, भाई आगे नहीं जा सकते, ये एरर है। अब आप गलती क्या करेंगे, आप कान बंद कर लें, वो बोल क्या रहा है आपको समझ ही नहीं आएगा, आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। अगर आप कान खोलें उसकी बात सुने तो वो क्या बोल रहा है, आगे नहीं जा सकते भाई परमिशन नहीं है। सही है ना, तो ये एरर है। तो एरर में भी ना वो कोई बात आपको बोल रहा होता है कि भाई ऐसा नहीं है ऐसा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो उसका मतलब है आपको कोई बात बोल रहा है, आपने कान बंद कर लिया, कान बंद कर लिया तो आपको क्या पता क्या बात हो रही है। एरर को पहले रीड करें, पढ़ें, जब पढ़ेंगे ना आधा जवाब वहीं से मिल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर जब भी नहीं मिलता तो आप गूगल करें, गूगल से आपको मिल जाएगा। गूगल पे एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, उसका नाम है स्टैक ओवर फ्लो, मैं लिख के दिखा देता हूँ, स्टैक ओवर फ्लो ये मैंने लिखा, पहले नंबर पे आ गए। ये ना बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है स्टैक ओवर फ्लो, यहाँ पर ना दुनिया के प्रोग्रामिंग के हर तरह के एरर का सोल्यूशन मौजूद है। मतलब जो एरर आज आपको आया है ना, वो एरर आपसे पहले भी 10 लोगों को आ चुका है, जाहिर है। तो उन लोगों ने ना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डाले हुए, तो हो सकता है आप यहाँ पे जैसे सर्च करें स्टैक ओवर फ्लो पे आपको उसका जवाब पहले ही मिल जाए, किसी और को आया था वो एरर, उसने किसी को जवाब दिया और आपको उसका जवाब मिल गया। तो उसको हम दूसरे अल्फाज में बोलते हैं फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन, जो ऐसा सवाल जो पहले किसी ने फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉलेशन हो गई, एरर की बात भी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आगे देखते क्या हैं कि करें। इंस्टॉल हुआ TSC, यानी TSC टाइपस्क्रिप्ट हाँ कंपाइलर है, वो चेक करते हैं कि इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। अभी सर ने एक बात करी TSC इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, जब हमने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करा ना तो इसने हमें इंस्टॉल करके दिया एक कंपाइलर, उस कंपाइलर का नाम है TSC, इसको अगर मैं फुल फॉर्म पढ़ूँ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, जैसा अभी सर ने बताया, तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इंस्टॉल हो गया। और हमने क्या कहा था, हम हर चीज़ को इंस्टॉल करने के बाद उसका वर्जन चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि वो इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो इसी बहाने में वर्जन भी पता लग जाता है और इसी बहाने ये भी पता लग जाता है ये स्टॉल है। जाहिर सी बात है वर्जन जब भी बताया जब स्टॉल होगा, तो उसने बता दिया 5.4.2 ये इसका वर्जन आ गया। जी सर आप टाइपस्क्रिप्ट में एक फाइल बनाते हैं, वापस आ जाएं वहां।
विजुअल स्टूडियो वापस कोड। वापस कोड पा जाते, और यहां से मैं वापस एक्सप्लोरर खोल। सर इसको डिलीट कर दूं या बना रहने दूं उसको? इसको डिलीट कर दें। इसको मैं डिलीट कर दूं ताकि कोई भी किसी भी किसी भी कंफ्यूजन में ना आए कि ये क्या हो रहा है। अब बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जी सर, एक फाइल बनाओ। हेलो वर्ल्ड फिर टीएस कर दें। अच्छा, एक फाइल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ इसी जगह से, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। इस बार ना मैं रख रहा हूँ डॉट टी एस, देख रहे हैं, इस बार मैं डॉट जे एस नहीं रख रहा। मैंने कहा था ना सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सही है, तमिल, तमिल, चाइनीज, तो हर लैंग्वेज में बात करने से पहले आपको बताना होगा ना किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। तो इसी तरीके से पहले मैं बात कर रहा जावास्क्रिप्ट में, अब मैं बात करूंगा टाइप स्क्रिप्ट में। तो ये मैंने बना लिया। जी जी सर, नेक्स्ट क्या वही करना है? जो वही जावास्क्रिप्ट में लिखा था, क्योंकि जो कुछ जावास्क्रिप्ट में है वो टाइपस्क्रिप्ट में तो है ही, तो वही दोबारा लिख दें। ठीक है, तो इसको मैं मेन्यू को हटा देता हूँ, बल्कि मेन्यू अभी रखने देते हैं। कंसोल डॉट लॉग ये लिखा था मैंने, उसके बाद मैंने ब्रैकेट बनाए थे, फिर मैंने कोटेशन लगाई थी, फिर मैंने लिखा था हेलो, इस बार मैं लिखा हूँ फ्रॉम सर अमीन प्रिया। सही है? नहीं, अमीन ही लिखे फ्रॉम विद यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। सर दिया, इसको मेन्यू का हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आए, लाइन बड़ी हो रही है। यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट, सही है, एक अच्छा सा सेंटेंस लिख दिया। अब देखें एक एरर आ रहा है, अच्छी बात है एरर आ गया। एरर मुझे पता कैसे चला? यहाँ पे देखें कुछ रेड रेड हो रहा है ना, और यहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ। देखें, अब मैंने आपको बताया था ना, गार्ड ने आपको रोका और आपने कान बंद कर लिए, इसका मतलब बोल क्या रहा आपको पता ही नहीं है, आपने कान खुले रखने। एरर की सूरत में हमें एरर को पढ़ना है। अब देखें यहाँ पे मैंने जैसी कोड लिखा ना, मुझसे हो गई गलती। अब मुझे तो याद नहीं गलती क्या है, मैं कैसे ढूंढूँ कैसे ढूंढूँ। तो यहाँ देखें नीचे ना ये रेड रेड कलर का ये नीचे आ रहा है, रेड कलर का। जैसे ये जो माउस का है कर्जर है ना, जो घुमा रहा हूँ मैं गोल गोल, माउस का एरो जिसको बोलते हैं कर्जर, इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा ना, देखें कुछ दिखाएगा मुझे। इसने क्या कहा है, इसको मैं डाल दूँ थोड़ी देर, ये देख ये क्या दिखा रहा है, ये मुझे बता रहा है, बोल रहा है आप ना ब्रैकेट बंद करना भूल गए। देखें खुद लिखा हुआ है इसमें ऊपर, इसने क्या कहा, आपने ब्रैकेट को बंद करना भूल गया, आपने सिर्फ ओपन करा है, बंद नहीं करा। तो यहाँ जल्दी से मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और ये एरर चले गया। तो एरर ना हमेशा रीड करना है, रीड नहीं करे तो फंस जाएंगे, पढ़ा नहीं तो फंस जाएंगे। वही बात है, अगर आपको गार्डनर होगा और आपने कान बंद कर लिया तो फंस गए, आपको पता ही नहीं ना सामने वाला क्या बोल रहा है, जब तक तो पता नहीं है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये मैंने कर दिया काम, अब सर नेक्स्ट क्या करूं मैं? अब इसको जावास्क्रिप्ट बनाएं, क्योंकि नोड जेएस पे तो जावास्क्रिप्ट चलती है। अब अब कंपाइलर चला सर के टाइपस्क्रिप्ट का इसकी जावास्क्रिप्ट जी बनानी है। ओके, अच्छा सर ने बात करी है कंपाइलर चला के टाइप स्क्रिप्ट का इसकी जावास्क्रिप्ट बनानी है। सर ने बोला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हमारी एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में चाइनीस आ गया। अब प्रॉब्लम है, सरजिया को भी इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, फैसल भाई को भी इंग्लिश उर्दू आती है, लेकिन अच्छी बात यह मुझे ना चाइनीस और इंग्लिश दोनों आती है, उर्दू भी आती है, तीन चीज तीनों लैंग्वेज आती है। अब जैसे चाइनीस आया, चाइनीस ने चीं प्याओ पी बोलना शुरू करी, एक प्रॉब्लम हो गई। अब सरजिया को तो बात समझ नहीं आएगी उसकी, और फैसल भाई को भी नहीं आएगी, लेकिन बीच में मैं हूँ, मुझे क्योंकि दोनों लैंग्वेज आती हैं, तो मैं काम करूंगा ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर आपने देखा होगा ना, कहीं पे जाके अरबी अरबी कहीं जाते हैं, उनको इंग्लिश अगर नहीं आती या उनको तुर्किश नहीं आती, तो तुर्की जो है इंग्लिश में बात करता है, वो उनके साथ ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर वो अरबी सुनेगा और वो आपको इंग्लिश में बताएगा या उर्दू में बताएगा, इसी तरह ट्रांसलेटर चाइनीज सुनेगा उर्दू में बताएगा। तो प्रोग्रामिंग में भी ना वहाँ पर ट्रांसलेटर्स होते हैं, सही है। ट्रांसलेटर का काम नाम होता है, अच्छा सा नाम है, कंपाइलर। उसको हम ना एक प्रोग्राम देते हैं, वो उस प्रोग्राम को उठा के दूसरी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकता है। और दूसरा प्रोग्राम है क्या, इसको डिस्कस करेंगे। अभी के केस में हमारे पास जो ट्रांसलेटर है उसका नाम है ट्रांसपाइलर। ट्रांसपाइलर ट्रांसलेटर कर क्या रहा है, इसका काम ये, हम इसको देंगे टाइपस्क्रिप्ट और ये हमें वापस देगा जावास्क्रिप्ट। वही काम हमने उसको चाइनीज बोली और उसने चाइनीज सुन के हमें इंग्लिश में जवाब दिया। ट्रांसलेटर है ना, चाइनीज सुनेगा बोलेगा इंग्लिश, तो वही काम है इसका, टीएसी का। इसका काम है कि इसको हम टाइपस्क्रिप्ट देंगे और ये बदले में हमें जावास्क्रिप्ट दे देगा, मतलब इसको हम चाइनीज की लैंग्वेज देंगे, बदले में हमें इंग्लिश दे देगा। और अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसको हम टाइपस्क्रिप्ट देंगे और ये हमें क्या दे देगा, जावास्क्रिप्ट दे देगा। तो वो कैसे देगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, फाइल का नाम गौर से पढ़ लें, हेलो वर्ल्ड डॉट टी एस। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ टी एस सी, फाइल का नाम लिखूंगा मैं हेलो वर्ल्ड डॉट टी एस।
अब देखिए यहाँ मैंने फाइल का पूरा नाम लिखा है, और इससे पहले मैंने ट्रांसलेटर को बताया कि भाई मैं आपको चाइनीज लैंग्वेज में एक बात बता रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से इंग्लिश में बताओ, क्योंकि सर जिया और फैसल भाई को इंग्लिश आती है, चाइनीज नहीं आती। तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को मैंने बोला कि हेलो TXT फाइल मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे इसको फ़ौरन से जावास्क्रिप्ट में वापस करो। तो ये करेगा क्या, ये TS की फाइल लेगा, बदले में मुझे JS की फाइल दे देगा। इसको मैं इंटर करता हूँ, इंटर करें, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो खाली है। अब हम क्या करते हैं, हम वापस कोड पे जाते हैं। जैसे मैं कोड पे आता हूँ यहाँ पे मुझे एक नई चीज़ मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था यहाँ एक ही फाइल थी, अब यहाँ देखें दो फाइल आ गई। दूसरी फाइल वही काम हुआ है कि मैंने उसको चाइनीज बोली, इसने इंग्लिश में जवाब दे दिया। मैंने उसको TS की फाइल दी, इसने मुझे बदले में जावास्क्रिप्ट की फाइल दे दी। देखना ये काम हुआ ट्रांसपाइलर का, इसको कंपाइलर बोलते हैं या ट्रांसपाइलर, दोनों आपकी बात साबित। अब अगर मैं इसको बंद करूँ थोड़ी देर के लिए, दोनों फाइल खोलूँ और यहाँ से इसको बंद करूँ, ये दिखाऊँ, देखें अभी आपको दोनों में सेम कोड दिखेगा, क्योंकि अभी हमने कोडिंग करी नहीं है। थोड़ा सा आपको ये आखिर में कॉलन नजर आ रहा होगा, इसका इसको इग्नोर करें अभी ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने कोई कोडिंग नहीं करी, एक लाइन का कोड लिखा है, इसलिए आपको सब सेम लग रहा है। आगे जाके हम जब कोडिंग करेंगे ना तो आपको डिफरेंस नजर आएगा दोनों में, डिफरेंस क्या है, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसलिए डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। जी सर, ट्रांसलेट हो गया, आप क्या करने हैं? अब इसको नोड जीएस पे चलाते हैं। जी अब देखें, अब जो TSC था ये ट्रांसलेटर था, मतलब मैं था, मैंने चाइनीज सुन के इंग्लिश दे दी सर को। अब सर जो है ना वो नोड है, अब सर इंग्लिश सुन के उस बात को समझ लेंगे, हाँ भाई ये बात हो रही है। तो सर ने कहा भी इसको JS को, अब सर को तो JS की फाइल समझ में आएगी ना, सर को इंग्लिश समझ में आएगी, मुझे चाइनीज समझ में आएगी, मुझे चाइनीज समझ में आई, मैंने इंग्लिश की फाइल दे दी सर को। अब सर उस इंग्लिश की फाइल को पढ़ रहे हैं, मतलब सर उस इंग्लिश की फाइल को अपने पास रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो आ गया हेलो फ्रॉम सरजिया विद यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, तो ये हमारे रिजल्ट आ गया। चलिए अमीन भाई, अब एक जल्दी से एक ऐड का जी सर, प्रोग्राम लिखते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में नंबर ऐड करते हैं तो, और फिर जी छुट्टी सर, करते हैं। ओके सर, एट का एक प्रोग्राम। अच्छा सर ने क्या कहा है, सर ने कहा है प्लस की बात करिए। हम क्लास 1 के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसमें हमारे पास एप्पल होते थे, हमें सुनने में आता था कि 3 एप्पल हैं और 2 एप्पल मुझे, 3 एप्पल मुझे अम्मी ने दिए और 2 एप्पल मैंने अपने छोटे वाले भाई से ले लिए, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, ये हम पढ़ते थे। अब वो काम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे भाई, प्रोग्रामिंग में ऐसे करेंगे, पहले मैं सब मिटा देता हूँ यहाँ से, इसी में काम कर लेते हैं, एक काम कर दें, अब मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा मैं मिटा इसलिए ना ताकि आपको चीज़ें रिपीट होती रहे ना, दोबारा से लिखा मैंने, इस बार मैं नाम बदल के लिखता हूँ ताकि आपको पता रहे, नाम में लिख सकता हूँ चेंज करके, मैं लिख रहा हूँ main.ts, बट TS होना चाहिए नाम, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा कि भाई मेरे पास, भाई एक चीज और बता दीजिए, कभी कभी होता ही है कि आप कोड लिख लेते हैं और उसको कंपाइल करते हैं लेकिन आपके पास आउटपुट में फाइल जो है वो ब्लैंक होती है, तो उसका क्या रीजन है? जी, ये मैं बता देता हूँ बिल्कुल, अभी सर ने क्या कहा वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। अब यहाँ पे main.ts है, main.ts मैंने कंसोल लिखा, .log लिखा, सर ने कहा क्या था, एक एडिशन का प्रोग्राम बना दो, मतलब 3 एप्पल मेरी अम्मी ने दिया, 2 एप्पल मैंने अपने भाई से ले लिया, मेरे पास 5 एप्पल हो गए, तो मैंने कहा 3 प्लस 2। सही है, तो प्रोग्रामिंग में भी ना प्लस का ही साइन यूज होता है, जिस तरीके से आपकी नॉर्मल लाइफ में प्लस का साइन यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे जैसे 3 प्लस 2 लिखा है उसको 5 करना चाहिए। सही है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग 3 प्लस 2। अब लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूंगा, वापस मैं यहाँ जाता हूँ, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, लिखूंगा TSC, अब फाइल का नाम चेंज हो गया, अब लिखूंगा main.ts, जो भी फाइल का नाम है वो लिखना है ना यहाँ से, देख लें फाइल का नाम क्या है, main.ts है, बस जो नाम है वो यहाँ लिख देते हैं, हमने भी यहाँ पे main.ts लिख दिया, इंटर करा, जैसे इंटर करा अब इसको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट बना के देनी है, जाके देखते हैं बनाई नहीं बनाई, यहाँ पे हमने देखा बिल्कुल इसने जावास्क्रिप्ट बना दी, तो जावास्क्रिप्ट को रन कर लेते हैं। कैसे रन करेंगे, नॉट main.js, अब मुझे कमेंट्स में बताओ क्या प्रिंट होगा, हम कमेंट्स देखते हैं जब तक। सबने कहा 5 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा,
सबने ये कहा है ना, फाइव प्रिंट होगा, मैं एंटर करता हूँ। अगर फाइव प्रिंट नहीं हुआ सर, माँ चले थे इतने सारे स्टूडेंट ने, तो देख देख ले। ले, इज्जत इतना, इज्जत तो आने जाने वाली शायद। आप बताएं क्या प्रिंट होगा? फाइव अगर प्रिंट, क्योंकि सब लोग फाइव बोलने का मिनट में, और फाइव प्रिंट नहीं हुआ फिर चल एंटर करते हैं। देखिए यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, खाली। ये कैसे हो गया? आप सब तो फाइव बोल लेते, यहाँ तो फाइव हुआ नहीं। कोड पढ़ते हैं एक बार, हो सकता है कोड में कुछ गलती हो। कोड में भी कोई गलती नहीं, 3 + 2 = 5 होता है। जावास्क्रिप्ट की फाइल देखते हैं एक बार, उसने ट्रांसलेट करके क्या लिखा। जब किसी ने चाइनीज बोली तो उसने चाइनीज को कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखा क्या? पढ़ तो नहीं, हो सकता है इंग्लिश उसने चाइनीज ही नहीं समझी। ये क्या, जावास्क्रिप्ट की फाइल तो खाली है, मतलब जावास्क्रिप्ट तक तो बात ही नहीं पहुंची। तो गलती क्या हुई है, हमने गलती करी है। वो गलती ये क्या करी है कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो हम उसको सेव करते हैं। जो अभी फैसल भाई ने बात बताई थी, सेव से मुराद है ये फाइल है ना, इस फाइल को मैंने अभी तक सेव नहीं करा। लिखा तो है इसमें, अब कंप्यूटर को नहीं पता मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये सेव नहीं है। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस का एक शॉर्टकट होता है। इसके अलावा आप ऊपर यहाँ फाइल में जाए तो यहाँ पर भी एक सेव का ऑप्शन होता है, ये यहाँ से भी हो जाता है। सही है, मैं दोबारा जाता हूँ फाइल में, यहाँ पर सेव का बटन है, ये रहा कंट्रोल एस शॉर्टकट होता है इसका। सही है, अब मुझे पता कैसे लगेगा सेव नहीं है। आप ऊपर मेरी ना फाइल का नाम देखें क्या लिखा हुआ, main.ts, उसके राइट साइड पर देखें एक सर्कल बना हुआ आ रहा है, आ रहा है। अगर आपके कोड में ये सर्कल बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपकी फाइल सेव नहीं है। और जैसे ही आप इसको सेव करिए, मैं प्रेस कर रहा हूँ इस वक्त कंट्रोल एस का बटन, आप देखेंगे सर्कल के साथ क्या हुआ, जो सर्कल ऊपर आ रहा है ना, इसका क्या हुआ। कंट्रोल एस मैंने प्रेस कर दिया, क्या चेंज आया, सर्कल खत्म हो गया। तो इसका मतलब है जब तक मेरी फाइल सेव नहीं है, मेरे पास सर्कल आएगा। और जैसे ही मेरी फाइल सेव हो जाएगी, मेरे पास से सर्कल हट जाएगा। और सर्कल हटने के बाद क्या होगा, मेरी फाइल सेव हो गई। अब सेव हो गया, मैं सारा काम दोबारा जाके करता हूँ, मैं वही काम करूँगा। tsc main.ts हो गया, अब मैं लिखूंगा not main.js। अब देखें अब आ गया फाइव, पहले क्यों नहीं आया था, फाइल सेव नहीं करी। जाहिर सी बात है, जो लिखा वो सेव नहीं करा तो आएगा कहाँ से। आपने किसी को वॉइस नोट भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, आपने वॉइस ओपन करी, बोलना शुरू करा, अब वो आपने सेंड ही नहीं करा, वो वहीं पर रुका हुआ है। या आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखा मुझे, आपने कहा सर अमीन हेलो अस्सलाम वालेकुम, और आपने उस पर सेंड का बटन नहीं दबाया, वो मेरे पास कहाँ से आएगा। तो वही काम हमने करा, हमने फाइल में लिखा तो उसको सेव ही नहीं करा। जब सेव नहीं करा तो जाहिर सी बात है उसको कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर 5 आ गया। तो हमने एक एडिशन का प्रोग्राम बना लिया, जैसे सर ने कहा था कि आप 2 3 + 2 करके प्रोग्राम बनाए, वो हम बना चुके हैं। जी सर, चलिए अब ये करते हैं, एक आखिरी और कर लेते हैं, आगे चलते हैं। जी एक वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं 2 नंबर के, ठीक ओके सर। सर ने एक बात बोली है, वेरिएबल। वेरिएबल की बात क्या समझ में आएगी आप लोगों को, आप किस तरीके से समझेंगे? आप ये समझ लें कि है। मुझे पता है लोग थक गए, मुझे पता है कि लोग थक गए होंगे, मगर ये आखिरी बस है। जी सर, आप वेरिएबल की बात को इस तरीके से समझें कि आप घर, आप लोग हैं जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर इस वक्त मैं आपको देखूं, और मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, मैं देखता हूँ मेरे सामने एक स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे हैं, जो जिनके रेड कलर के बाल हैं, और इन्होंने ये पहनी हुई ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई, आंखें इनकी मुझे मोटी मोटी नजर आ रही हैं, इन्होंने कैमरे पे आए हुए हैं। सही है, तो इतने सारे स्टूडेंट हैं, और अगर यही बात मैं कहीं पब्लिक में क्राउड में करूं, और यही बात मैं आप लोगों को पहचानने में करूं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना आपको पहचानना, आपको जानना, आपको समझना। अगर हर किसी की मैं पहचान से बताऊं, किसी के कान की पहचान से बताऊं भाई आपके कान ऐसे हैं, किसी की मैं आंखों की पहचान से बताऊं, किसी की मैं आवाज़ से बताऊं भाई जिसकी आवाज़ इस तरीके की सुरीली आवाज़ है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी ना प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों का कोई ना कोई नाम है, और वो नाम के लिए हम थैंकफुल हैं। अच्छा है हमारा नाम है, वरना तो अभी भी नाम होने के बाद भी हमारे कराची में ये चीज़ कॉमन है, हमने लोगों के ऐसे ऐसे नाम रखे हुए होते हैं उनकी पहचान के साथ, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली आप एक कैजुअली बात करें कि फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हुए, कि हर किसी का कोई ना कोई नाम है, आप उसको नाम से पहचानते हैं, बल्कि आप उसके कान से, उसकी नाक से, उसकी आंखों से उसको आवाज नहीं देंगे भाई, आंख जिसकी आंखें ब्राउन है वो आ जाए, आप हमेशा नाम से पुकारेंगे। तो इसी तरीके से ना
उस नाम के पीछे आप मौजूद हैं। अगर मैंने नाम लिखा अरसलान, तो अरसलान के पीछे एक अरसलान मौजूद है, उस अरसलान की पूरी पहचान है, वो दिखता कैसा है, कान कैसे हैं, उसकी पहचान क्या है, और वो अगर मुझे मिलेगा तो उसको मैं पहचानूंगा कैसे। लेकिन नाम क्या है? सिर्फ और सिर्फ अरसलान, ये अरसलान हैदर, सही पूरा नाम है। तो ये नाम के पीछे कौन है? आप पूरी करेक्टर है, एक इंसान है। इसी तरीके से कंप्यूटर में ना, मेरे पास अगर मैं चीजें लाके ऐसी रखता रहूँ कुछ भी चीज, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी ढूंढने में, मैं उसको ढूंढ लूंगा कैसे? और जब भी मुझे चाहिए होगी, मैं कंप्यूटर को क्या बोलूंगा, जो उस दिन में आया था, उस दिन ये रखा था, इस तरह का था, ये लिखा था। तो कंप्यूटर भी परेशान, मैं भी परेशान। तो कंप्यूटर ने भी ना यही नाम वाला तरीके का रखा है कि भाई आपका हम कोई नाम रख देते हैं ताकि आप ढूंढ सको, बुला सको, ताकि आप यही नहीं मुझे हर बार आके सब बताओ कि उस तारीख को, उस वक्त ये चीज थी, ये चीज थी। जैसे आपने आए घर में लाके गाड़ी की चाबी रख दी, फिर आप 2 दिन बाद आए चाबी देखने, चाबी मिल नहीं रही, फिर आप अम्मी को बोलोगे कि भाई वो चाबी इस तरीके की थी, ऐसी थी, वहां रखी थी, वहां रखी थी, ढूंढने में लगे। ये नहीं कि चाबी की एक जगह हो किचन, वो आपने वहां जाके चाबी लटका दी। तो इसी तरह कंप्यूटर ने भी बोला भाई आप एक नाम बना दो, मतलब वेरिएबल बना दो। वो वेरिएबल जब आप बनाओगे उसका एक फायदा होगा, तो उसमें जो भी लिखा हुआ वो आ जाएगा। तो नॉर्मली हमारे खानदान में हमारा कोई ना कोई नाम रखता है, कोई भी होता है। फॉर सपोज आपके घर में आपके फुप्पो ने आपका नाम डिसाइड करा, फुप्पो ने कहा भाई मेरे जो लाल है उसका नाम होगा दानियल, सही है ना? ये फुप्पो ने सोच लिया। अब जो फुप्पो है ना वो है ये LET, मतलब अभी हमारी फुप्पो आई, फुप्पो ने कहा जो यूजर नेम होगा वो होगा दानियल, सही है ना? तो फुप्पो ही नहीं, फुप्पो ने नाम बताया, नाम क्या बताया? दानियल बताया। तो अब मुझे ना नाम याद रखने की जरूरत नहीं, अब कंप्यूटर को मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि नाम क्या है, मैं हमेशा कंप्यूटर को ये बोलूंगा यूजर नेम बताओ, वो खुद देखेगा जो भी फुप्पो ने नाम रखा था वो लाके दे देगा। तो यहाँ पर हम कंसोल, अब वही वाला कंसोल लिखते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, लेकिन इस बार इस कंसोल में हम ये नहीं डालेंगे जो पहले हम कोटेशन लिखते थे ना, ये नहीं लिखेंगे, बल्कि इस बार इस कंसोल में हम लिखेंगे ये जो ऊपर लिखा हुआ सेम एज इट इज के नीचे लिख देंगे यूजर नेम। इसके अंदर कोटेशन नहीं लगानी, बस ये ख्याल रखना। दानियल का नाम रखते हुए हमने कोटेशन लगाई है, लेकिन यहाँ पर कोटेशन नहीं लगानी, बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पर हम ये बता रहे हैं जो पप्पा नाम रखा था वो बता दो, सही है? हम ये कोटेशन नहीं लगानी, कोटेशन हम जब लगाते हैं जब हम नाम कोई चीज नहीं बना रहे होते, जब हम पुरानी वाली चीजें यूज करते हैं तो कोटेशन नहीं लगाते। इसके पीछे जो साइंस है वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम आ गया हमारे पास। आप आगे क्या करना है? कोड वापस उसी जगह पे जाना है, यहाँ पर हमें TSC मेन डॉट TS चलाना है, उसके बाद हमें नॉट मेन डॉट JS चलाना है। तो यहाँ पे देखें दानियल आ गया, आसानी ये हो गई। अब हम जो 2+3 वाला काम कर रहे थे वो भी हम यहाँ से कर लेते हैं। हम बोलते हैं भाई एक लेट करो, लेट मतलब जो वेरिएबल का नाम रख रहा है। नाम हमने रख लिया नंबर, आगे हमने लिख दिया नंबर 2, फिर हमने कहा दोबारा लेट करो, इसका हमने नाम रख लिया नंबर 2, आगे रख लिया नंबर 3, सही है? फिर हमने कहा एक कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग कर दिया हमने, और इसमें हमने क्या करा, अब हम वही प्लस वाला काम करवा रहे हैं। पहले हमने 2+3 डायरेक्ट करा था, अब हम उसके नाम से प्लस करेंगे। हम बोलेंगे भाई num1 को प्लस कर दो num2 में, सही है ना? अब दोनों नामों का मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दो नाम 2+3 है, 2 5 हो जाएंगे। अगर पहला नाम होता जब्बार, दूसरा नाम होता अशरफ, तो जब्बार अशरफ हो जाता। यहाँ 2+3 है तो 2+3 5 हो जाएगा, सही है ना? तो हमने नाम को मिला दिया। नाम को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, हम कल यहाँ पर जाएंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, क्लीन नहीं करते, डायरेक्ट रन करते हैं TSC मेन डॉट TS नॉट मेन डॉट JS। तो ये 5 प्रिंट हो गया वापस से। अब हमने वेरिएबल भी पढ़ लिए, वेरिएबल को प्रिंट भी करवा लिया। जी सर, अब कल हफ्ते से शुरू, कल जो करेंगे ना तो वहां पर टाइप्स की बात शुरू करेंगे, देखते हैं फिर, और स्ट्रिंग ठीक और है सर। इंटीजर देखेंगे जो भी, फिर वहां से लेके आगे चलेंगे। अच्छा सर, हमारे स्टूडेंट्स को मैं हर क्लास में जाता हूँ, माशाल्लाह स्टूडेंट्स से मिलता हूँ। पहली बात तो मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो सवाल ऐसे करते हैं, उनका सवाल में जवाब क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। वो थोड़ी सी ना ये शो कर रहे होते हैं अपनी नाउमीदी कि हम सारा पैसे पढ़ेंगे, हमें इतना टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपका जवाब देना चाहेंगे उन लोगों के लिए। देखें, जिंदगी में घर पे बैठे रहना, हम जबरदस्ती तो किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर जो है 5 साल में बनता है, फिर 1 साल हाउस जॉब करता है। हम तो आपसे 1-1.5 साल मांग रहे हैं।
देखें, शॉर्ट कोर्स जो आपको कोई कहता है ना, वो झूठ बोलता है कि 2 महीने में आप ऐसी कोई चीज सीख सकते हैं। आप चाइना कटिंग तो सीख सकते हैं 2 महीने में, मगर ईमानदारी वाला कोई काम 2 महीने में नहीं सीख सकते जिससे आप पैसे कमा सकें और अपनी रोजी बना सकें और अपनी फैमिली को लेकर चलें। तो जिन लोगों ने अपना दिल छोटा करना है, पहले दिन मैंने क्या कहा था, ऑडेशियस लीडरशिप चाहिए, बहादुरी चाहिए, अपने आप पे यकीन चाहिए। जिस आदमी को अपने आप पे यकीन नहीं है, उसका फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। हर एक अपने आप को जवाब दे, किसी भी काम में बहुत मेहनत लगती है और दिल छोटा करेंगे तो बात खत्म। दिल छोटा नहीं करना। आपकी अम्मी भी अमीन नहीं, अमीन आपकी अम्मी ने भी आपको शुरू से यही सिखाया होगा और सारी अम्माएं यही सिखाती हैं। और हमें जो हमेशा मकड़ी की एग्जाम्पल दी जाती है कि मकड़ी जाला बुनती रहती है बुनती रहती है, वो सारे बहादुर लोगों की एग्जाम्पल दी जाती है कि ट्राई 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 अगेन। और फिर अगर आप छोटा करें अपना दिल, तो फिर तो ये बिल्कुल ही गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है, कबीरा है। क्या ख्याल है अमीन? आपको मेरी आवाज आ रही है अमीन? आप म्यूट हो गए हैं अमीन। आप म्यूट हो अमीन, आप म्यूट हो गए। अच्छा, मेरे पास परमिशन नहीं है ना अनम्यूट करने की सैजल भाई हाउस में। अच्छा 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 जी भाइयों दोस्तों, सर ने बात बताई है आपको, इस बात को आप समझ लो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि प्रोग्रामर आप बन सकते हैं। अगर आपने सोच लिया ना, आपने दिल में एक बात डाल दी कि नहीं मैं नहीं बन सकूंगा, मैं नहीं कर सकूंगा, तो वो बात आपको खुद नहीं बनने देगी। तो आप कहीं से भी नाउम्मीदी हटा दो दिल से, आप बस अपने माइंड में रखा दो कि कितना भी मुश्किल है, कितना भी मुश्किल रास्ता है, इसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है, यही करना है और इसी में मुझे सारा टाइम लगाना है। अगर आप अपने माइंड एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया ना कि यही मुझे करना है, तो एक चीज़ एक बार में समझ नहीं आएगी, दूसरी बार में नहीं आएगी, 10वीं बार में आ बिल्कुल। जाएगी। और इसमें ना सबसे अच्छे बताने में फैसल भाई हैं। फैसल भाई, जरा सा इनको बताएं कि कितनी जान लगती है। पर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 25 साल हो गए हैं काम करते हुए। मेरा कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरा तो फाइनेंस का बैकग्राउंड था, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से आया था। और मैंने जब आपकी क्लासेस से ही मैंने बेसिकली अपना आईटी का कैरियर स्टार्ट किया था। बैक इन 2001 IMIT का जो ओपी का बैच 4 था, तो मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई थी कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पास ना कोई डायरेक्शन थी लाइफ में, ना मेरे पास कोई कैरियर था, ना मेरे पास एजुकेशन थी। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 3-4 साल लगाने के बाद मुझे पता चला कि यार मेरे पास तो ग्रेजुएशन भी नहीं है, और मेरे पास तो मैंने ऑलरेडी 4 साल लगा दी है। उसके बाद फिर मैंने अपनी मर्जी से आईटी का कैरियर चूज किया था। शुरू में मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मुझे ये समझ लें कि तकरीबन 4 साल लगे थे उस पोजिशन पे आने में, जिसके बाद जो है मैं खुद अपने आप से कोई सिस्टम डिजाइन कर सकूं या कुछ काम कर सकूं। और उसमें मुझे सपोर्ट बहुत अच्छी मिली थी। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। मुझे अपने टीचर्स की सपोर्ट मिली, मुझे अपने कोलीग्स की सपोर्ट मिली, मुझे अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट मिली। पेरेंट्स की सपोर्ट तो ऑब्वियसली आपके साथ होती है, क्योंकि उनकी दुआओं के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी जो आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके ग्रुप है, आपके आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये आपने मेहनत करनी है। आप जितनी मेहनत करेंगे, कोई बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो, गुड़ भी आपने बनाना है, मीठा भी आपने करना है, और मीठा भी आपने अपने हिसाब से करना है। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं आप करें। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, अभी मेरा ख्याल है 3-4 क्लासेस हो गई हैं, 3-4 क्लासेस के अंदर जो है ये प्रॉब्लम हुई है अभी तक हम लोगों को, कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही, या कुछ लोग पहली मरतबा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद 1 महीना 1.5 महीने के बाद जो है वो आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं। सपोर्ट टीचर्स आपके साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ, जो सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो आपके साथ मौजूद हैं,
अभी क्लास के अंदर कुछ लोग जो है वो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आगे आएंगे, आप उनसे हेल्प लें, उनसे गाइडेंस लें। यूट्यूब के ऊपर हर चीज भरी पड़ी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अमीन भाई ने आपको जो है वो सोने की कान का जो है वो रास्ता बता दिया है। स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप वो प्रॉब्लम जो है वो ग्रुप पे पोस्ट कर दें, स्टैक ओवरफ्लो पे पोस्ट कर दें, यकीनन आपको उस प्रॉब्लम का जो है वो 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। मेरे 25 साल के कैरियर में मैं पिछले 8 साल 9 साल से स्टैक ओवरफ्लो यूज कर रहा हूँ, मेरा 90% कोड आज भी स्टैक ओवरफ्लो की एग्जाम्पल से निकलता। सो सिर्फ मेहनत करनी है, दिल छोटा नहीं करना, स्काई इज द लिमिट। सही है अमीन भाई, खत्म करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी लाइव सेशन के साथ, इसी टीम के साथ। आप लोगों की फुल एनर्जी हमें चाहिए, कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का इंटरेक्टिव एक सेशन रखें जिसमें आप लोग आएँ, हमारे साथ इंटरेक्शन भी करें। जूम का लिंक आप लोगों से शेयर कर देंगे, ताकि जूम में एक प्रॉब्लम है, सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे हम उनके सवाल लेंगे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कल जो है मैं कोशिश करेंगे हम कुछ चीज़ें इस तरीके की रखें जो आपके काम है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, याद रखना, क्लास एक भी मिस नहीं करनी आपने। अगर आपने एक भी क्लास एब्सेंट करी, मिस करी और उसको छोड़ दिया, तो समझ लें आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। सही है, हम आपका कहाँ से हम आपको बदलेंगे, हम कहाँ से आपको हम ये बताएंगे कि भाई आप मैं ये स्क्रीन किसी ने शेयर कर दिया, स्टॉप कर देता हूँ। अबू हुरेरा प्लीज, आपको हम ब्लॉक करें या आप बार बार स्क्रीन शेयर नहीं करें। सही है, तो आप लोगों ने क्लास एक भी मिस नहीं करनी, ये बात लिख लें। कितनी भी मुश्किल हो रही है, जाहिर सी बात है मुश्किल होती है घर से निकलने में, घर से निकलने में हमेशा मुश्किल होती है, कोई भी जद्दोजहद करेंगे मुश्किल होगी। क्लास एक भी मिस नहीं करनी, ईमानदारी से क्लास में टाइम पे आना है, टीचर के लेक्चर लेने हैं, उसको पढ़ना है, समझना है। ये सारी मेहनत आप लोगों की नहीं करी जा रही है, पूरी टीम आप लोगों की नहीं मौजूद है। तो अगर आपने क्लास भी मिस करी और आप रह गए कि भाई मैं तो देख लूंगा, पढ़ लूंगा, टाइम गुजर जाएगा, और होता है क्या है, हम लोग पिछले 8-10 साल से, मैं ये चीज देख रहा हूँ सर, पिछले 25 साल से देख रहे हैं, जो लोग क्लास मिस करते हैं ना, वो 1 महीने बाद क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं दोबारा एडमिशन कैसे लेना है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो यही बात करेंगे, दोबारा एडमिशन कैसे लेना है। तो भाई मिस नहीं करना है एक भी क्लास, रेगुलर जाओ, ईमानदारी से जाओ। ये जो सेशन है ये रमजान के नहीं हमने रखे हैं, लिमिटेड टाइम के नहीं, आप लोगों को हौसला देने के नहीं, लेकिन क्लास में आपने जाते रहना। ओके जी, थैंक यू, खुदा थैंक यू सो हाफिज। मच, अल्लाह हाफिज।